लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी। एक लकड़हारा था, वो जंगल में कड़ी मेहनत करके लकड़ियाँ काट रहा था, जिसे बेचकर वो अपने खाने का इंतजाम कर सके। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट लेता हूँ, नहीं तो शाम हो जाएगी। पेड़ काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी गलती से पास के नदी में गिर जाती है। अरे, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ चली गई? हे भगवान, अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा? जिस नदी में लकड़हारे की कुल्हाड़ी गिरी थी वो बहुत गहरी थी और बहुत तेजी से भी बह रही थी। लकड़हारे की कुल्हाड़ी खो जाती है और उसे वापस नहीं मिलती है। वो नदी के किनारे बैठ जाता है और रोने लगता है। कहाँ चली गई मेरी कुल्हाड़ी? लकड़ियाँ काट कर ही अपना गुजारा कर रहा था, अब कुल्हाड़ी ही नहीं, कैसे लकड़ियाँ काटूंगा? नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी मेरे पास नहीं है। जब वो वहाँ बैठकर रो रहा था, तभी नदी के देवता उस नदी से निकलते हैं और उसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? लकड़हारा पूरी कहानी उन्हें सुनाता है। अच्छा, ऐसी बात है, रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे कुल्हाड़ी को ढूंढने में। इतना कहकर नदी के देवता गायब हो जाते हैं और वापस एक सुनहरी कुल्हाड़ी के साथ आते हैं। देखो बच्चे, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी, इसे ले लो और रोना बंद करो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ओ, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं, रुको अभी आता हूँ। देवता वापस से गायब हो जाते हैं और इस बार वो चांदी के कुल्हाड़ी के साथ आते हैं। देखो बच्चे, ये तो तुम्हारी ही कुल्हाड़ी है ना, ले लो इसे। नहीं नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। क्या सच में ये भी तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है? अच्छा रुको। देवता वापस से गायब हो जाते हैं और लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आते हैं। कुल्हाड़ी देख लकड़हारा मुस्कुराता है और कहता है, जी यही मेरी कुल्हाड़ी है। नदी के देवता लकड़हारे की ईमानदारी से खुश हो जाते हैं और उसे दोनों सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ी दे देते हैं। उसके बाद पॉटी मैन घर वापस आ जाता है और अमीर बन जाता है और एक बड़ा महल बनाता है।